इधर कार्तिक बाइक से गद्दे लेकर जा रहा है। बाइक तो खटारा हो गया है, इसका ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा है कि इस रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रहा है, मैं जल्दी घर चला जाता हूँ। इधर से एक ट्रैक्टर आ रहा है। अरे ट्रैक्टर आ रहा है, मैं साइड हो जाता हूँ। अरे अरे भाई साहब साइड होइए, भाई साहब मैं साइड में ही हूँ, आप जाइए। अरे 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 भाई साहब, आपको बाइक चलाने नहीं आता है क्या? आप तो बाइक से टक्कर मार रहे हैं। सॉरी भाई साहब, मेरा बाइक खराब हो गया है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, अब मैं कैसे घर जाऊँ? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, अब मैं क्या करूँ? अरे भाई साहब ऐसा क्या? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपका बाइक अपने ट्रैक्टर पर रख लेता हूँ और आपको घर पहुँचा देता हूँ, आप भी मेरे ट्रैक्टर पर बैठ जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब चलो इस बाइक को ट्रैक्टर पर रखते हैं। हाँ हाँ चलिए उठाते हैं। अरे आराम से भाई साहब, वरना बाइक पैर पर गिर जाएगी। अरे संभाल कर। अरे हो गया चलिए चलिए रखते हैं। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, बस 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 चलिए भाई साहब हो गया, अब आप भी बैठ जाइए। अब मैं भी जाकर बैठ जाता हूँ, अब मैं भी जाकर बैठ जाता हूँ। भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, अगर भाई साहब नहीं होते तो आज तो मेरी हालत खराब हो जाती। बैठ गए भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है चलिए, मैं बैठ गया हूँ। दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर चले जाते हैं। सभी बच्चे बैठकर आग ताप रहे हैं। आज बहुत ज्यादा ठंड है। मुझे लगा इस साल ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन दो दिनों से बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे ये आग तो बुझ गई। मारा आग बुझ गई है, जल्दी से आकर कंबल ओढ़ लो। ये ठंडी का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते इतनी ठंड में। काश जल्दी से गर्मी का महीना आ जाए। इतना अच्छा गर्मी का मौसम रहता है, हम लोग तालाब में नहाने जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। हाँ गोल्डी, गर्मी के मौसम में मैं भी अपने दोस्तों के साथ दूर दूर तक घूमने जाता हूँ, लेकिन इस ठंडी के मौसम में तो कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। जल्दी से मुझे कंबल उठाओ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे मारा जल्दी से कंबल ओढ़ कर बैठ जाओ, बहुत ठंड लग रही है। इधर गीता उपले लेकर आ रही है। क्या मुसीबत आ गई है, ये ठंड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। अरे ये आग तो बुझ गई है और तुम लोगों की बातें खूब चल रही है, सारे उपले डाल देती हूँ। मम्मी इस मौसम में शिमला घूमने चलते तो कितना अच्छा रहता, रजाई में बैठे बैठे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हाँ भैया मुझे भी घूमने चलना है, क्योंकि मुझे भी बर्फ देखनी है और मुझे पहाड़ भी देखना है, मैंने तो बस मूवी में ही देखा है पहाड़, रियल में अभी तक नहीं देखा। अरे अरे इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना मैं यहीं पर डांस करने लगूंगा ये। मायरा मैं एक काम करता हूँ, जब पापा शाम को ऑफिस से आएंगे ना तो पापा को बोलेंगे प्लान बनाने के लिए। कितना अच्छा रहेगा ना मायरा, हम लोग जाएंगे शिमला घूमने। ये बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पापा मना कर दिए तो। अरे मारा ऐसा मत बोल, देखना मैं पापा को मना लूंगा। हाँ ठीक है भैया, पहले मम्मी को तो मनाइए, पापा तो खुद मान जाएंगे ये। चलो चलो हम लोग मम्मी को मनाते हैं। ये बच्चे तो काफी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कार्तिक जी को तो छुट्टी ही नहीं है जो हम लोग शिमला घूमने जाए। इस टोकरी को साइड में रख देती हूँ, वरना इसमें भी आग लग सकती है। गीता टोकरी को साइड में रखने जा रही है। हाँ हाँ यहीं पर रख देती हूँ। अरे मैं भी जाकर आग ताप लेती हूँ, काफी ठंडी हवाएं चल रही है। मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो ना हर्ष, क्या बात है? वो मम्मी इस ठंडी के मौसम में हम लोग घर पर बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग शिमला घूमने चले, हमेशा तो घर में ही रहते हैं। चलिए ना मम्मी हम लोग शिमला घूमने चलते हैं। तो तुम लोगों को शिमला घूमने का मन कर रहा है? वैसे मुझे भी घूमने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पापा को ऑफिस में छुट्टी नहीं रहता है। तुम्हारे पापा ऑफिस से आएंगे तो पूछ लेना, उसके बाद हम लोग प्लान बनाएंगे।
अरे वाह, चलिए ठीक है मम्मी, कम से कम आप तो मान गई, अब बस पापा को मनाना है। हाँ भाई साहब, यहीं पर रोक दीजिए, रोक दीजिए भाई साहब। हाँ भाई साहब, अभी रोक देता हूँ। अरे ट्रैक्टर की आवाज। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पापा बाइक से ऑफिस गए थे और ट्रैक्टर से आ रहे हैं। आखिर बात क्या है, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। मायरा जल्दी चलो। अरे चलो चलो जल्दी, देखते हैं पापा क्या लेकर आए हैं ट्रैक्टर पर। चलो गोल्डी जल्दी चलो। हाँ मायरा जल्दी चलो। पापा आप बाइक को क्यों ट्रैक्टर पर रख लिए हैं? बाइक पंचर हो गई क्या? अरे पहले ट्रैक्टर से उतर जाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आखिर क्या हुआ है इस बाइक के साथ। हर्ष बाइक का ब्रेक फेल हो गया है और चक्का भी पंचर हो गया है, इसलिए उसे ट्रैक्टर पर लेकर आना पड़ा। पापा वो तो मैं बहुत पहले से ही कह रहा था कि बाइक खटारा हो गया है, न्यू बाइक ले लीजिए। आप तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। हाँ हर्ष, काश मैं तुम्हारी बातें सुन लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे अब मैं न्यू बाइक ले लूंगा। अरे ये क्या है, ये तो कंबल लग रहा है। मारा ये तो गद्दा है, देखो ना कितना सॉफ्ट है। अब से तो मैं इसी पर सोऊंगी, अब मुझे बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा ये। भाई साहब जल्दी बाइक नीचे उतारिए, मुझे देर हो रही है। ठीक है मैं अभी उतार लेता हूँ। अरे मायरा तुम गद्दे पर जाकर बैठ गई, अभी नीचे उतरो, मैं बाइक उतारने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं अभी उतर जाती हूँ। अब तो मैं इसी गद्दे पर सोऊंगी ये। मैं अभी मम्मी को बता कर आती हूँ कि पापा गद्दा लेकर आए हैं। मम्मी मम्मी आप कहाँ हैं? भाई साहब अब आप चले जाइए, वैसे आपका फिर से शुक्रिया। हाँ ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे ये थैला तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, मैं अभी जाकर उधर देखता हूँ आखिर इसमें क्या है। हर्ष संभाल कर, नहीं तो थैला फट जाएगा। हाँ हाँ मैं संभाल कर ही ले जा रहा हूँ। अरे ये थैला तो गिर गया। अरे ये क्या निकल रहा है थैले से? अरे ये तो खाने वाला स्नैक्स है, मैं जल्दी जल्दी सारा खा जाता हूँ। हर्ष मैं भी खाऊंगी, सारा मत खा जाना, मैं भी खाऊंगी। मैं इस गद्दे को बिस्तर पर रख देता हूँ। चलो अब हो गया। अरे वाह ये गद्दा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे कार्तिक जी ये गद्दा कितने में दिया है? अरे गीता छोड़ो ना, ज्यादा महंगी नहीं है। अरे आप दोनों क्या खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी। अरे आकर खाओ ना मायरा, क्या बोल रही हो? आप दोनों खाइए, मैं थैले में जाकर देखती हूँ और कुछ है क्या खाने वाला। अरे वाह थैले में तो बहुत कुछ है खाने वाला, मैं अभी निकाल कर देखती हूँ। अब मैं बैठकर सभी खा जाती हूँ ये। अरे सब तो खत्म हो गया, अब जाकर तिलकुट खाता हूँ। अरे मारा तुम मिठाई खा रही हो, मुझे भी खाने दो। नहीं भैया जाकर तिलकुट खाइए, मुझे मिठाई खाने दीजिए। नहीं मारा मुझे भी मिठाई खाने दो। अरे अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, शांति से खाओ ना। तुम दोनों लड़ो आपस में, मैं तो जा रही हूँ गद्दे पर उछलने। ये ये मारा हर्ष इधर देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है गद्दे पर। कार्तिक जी बच्चे कह रहे थे शिमला घूमने जाने के लिए, चलिए हम लोग शिमला घूम कर आते हैं। अरे नहीं नहीं गीता नहीं जा पाऊंगा, मेरे ऑफिस में छुट्टी नहीं है। ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।